नमस्कार मित्रों, दिदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। हमारे ऋषियों ने वेदों के अंदर पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में विभाजित किया था, जिस पर नासा, ईसा, इसरो वगैरह चल रहे हैं। और जो हम आसमान देख रहे हैं वो आधा होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है, मगर हमको उसको नापने की विधि नहीं आती। विज्ञान ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। हाथ आपको लंबा करना है, कोने से मुड़ना नहीं है, और जब लंबा करेंगे तब ये जो लास्ट वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, ऐसे करेंगे तो उसके पीछे वाला जितना पोर्शन है 1 डिग्री है, यानी सूर्य और चंद्रमा इसके पीछे आ जाएंगे। आप देखना, सूर्य और चंद्रमा इसके पीछे आधी डिग्री का हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा 1 डिग्री हो गई, फिर 3 डिग्री रह गए, तो ये वाला जितना पोर्शन है ये 5 डिग्री हो जाएगा। फिर आप मुष्टिका बंद कर दो तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, फिर ये दोनों उंगली कर लो तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और ये बंद करके ये वाला कर लो तो 25 डिग्री हो जाएगा। तो जैसा जैसा आपको नापना है, जो भी जिस तरीके से नापना है, तो आसमान को आप नाप सकते, किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये मुष्टिका ऐसी भी करनी है, उसके ऊपर दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, ऐसे करते जाएंगे तो सर के ऊपर जब आप आएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखना, ट्राई करना, और पूरा नीचे चले जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी जेनिथ 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसमान को हम नाप सकते, देख सकते, हर एक कॉन्स्टेलेशन राशियों को सबको देख सकते, पूरे आसमान में ये वृश्चिक राशि कितनी डिग्री की है, ये कितनी डिग्री की है, ये कितनी डिग्री का स्टार है, ये सब देख सकते हैं। और खास करके सूर्य चंद्रमा केवल आधी डिग्री के हमको बहुत बड़े दिखाई देते हैं, मगर पृथ्वी से देखने पर आधी डिग्री के दिखाई देंगे, इसके पीछे लिटिल फिंगर के पीछे आ जाएंगे। तो देखना, प्रयास करना, और नेचर को निहार करके देख करके थैंक